बनवारी जी, दामिनी तो पहले से ही घर से बेघर है। अब तो मामा जी के घर से बेघर होगी। क्या मतलब? माँ ने उसे घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। क्यों, ऐसा क्या किया दामिनी ने? उसकी कोई गलती नहीं, जो देवराज साहब और परमजीत मिलकर उसकी दूसरी शादी करवा रहे, उसे इनकार कर दिया तो उसकी सजा क्या मिली? घर से बेघर हो गई। पागल हो गए हैं परमजीत अंकल और देवराज साहब। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई उनकी, बर्बाद होंगे वो दोनों। देखना देखना, भगवान भी माफ नहीं करेगा उन्हें। मैं दामिनी को फोन लगाता हूँ। हेलो मम्मी, एक बुरी खबर है। क्या मम्मी? रचना आंटी ने दामिनी को घर से बाहर निकाल दिया है। क्या, दामिनी को घर से निकाल दिया? मगर क्यों? मम्मी ये सब मैं आपको घर आके बताऊंगा, प्लीज इस वक्त आप जाके दामिनी को ढूंढिए। इस वक्त उसे सहारे और तसल्ली की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं दामिनी को ढूंढती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? जो सोचा भी नहीं था वो सुनने को मिल रहा है। दामिनी की माँ ने उसे घर से निकाल दिया। लगता है दूसरी माँ वाली भावना रचना में पैदा हो रही है। मैं जाती हूँ और दामिनी को ढूंढती हूँ, और मैं ना उसे अपने घर में ही रखूंगी। अब ये बात गलत है अमृता, ढूंढ कर उसे उसकी माँ के पास ले जा और दोनों को समझा कि ऐसा ना करें, वरना दुनिया हंसेगी। दुनिया यही कहेगी कि इंद्रजीत के मरने के बाद परिवार तो अलग हुआ ही था, माँ बेटी भी अलग हो गए, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर मैं दामिनी को यहाँ लाना चाहती हूँ तो उसके पीछे कोई राज होगा। राज? हाँ, अगर मैं दामिनी को इस घर में लाना चाहती हूँ तो उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। मकसद? अरे पता चले तो मैं भी कोई राय दे दूं। अगर दामिनी को मैं यहाँ लेकर आऊंगी तो हमें तीन फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि दामिनी को यहाँ देखकर रश्मि ये समझ जाएगी कि हम दामिनी को सिर्फ उसे जलाने के लिए नहीं लेकर आए हैं, बल्कि दामिनी के साथ हमें सचमुच सहानुभूति है। दूसरा फायदा ये होगा कि रचना को अपनी बेटी की कदर हो जाएगी। तीसरा और अहम फायदा ये होगा कि दामिनी के चाचा जी दुनिया के सामने आ जाएंगे, उनकी असलियत का पता सबको लग जाएगा। अब आई बात समझ में? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हमारी। वैसे सच कहा जाए तो आपको राजनीति में होना चाहिए। घर गृहस्थी भी किसी राजनीति से कम नहीं है श्रीमान जी। श्रीमती जी बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। रश्मि, मैं दामिनी को यहाँ लेकर आने वाली हूँ, अब वो यही रहेगी। उम्मीद करती हूँ इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विवेक से शादी करवा कर आएंगी या फिर यूं ही? उसे बहू बनाकर मैं लाना चाहती थी, क्या करे, विवेक की किस्मत में तुम थी तो मैं क्या करती? फिर आप किस्मत से लड़ रही है या फिर मुझसे? ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है रश्मि, दामिनी मेरी मेहमान है, मैं उसे बहुत चाहती हूँ, उसको तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और ना ही इस घर की बदनामी होनी चाहिए। एक बात और, उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी भी नहीं होनी चाहिए। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जिससे आप किसी भी अरे गहरे की सेवा करवाएं। सेवा तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, और घर आए मेहमान की सेवा करना हर बहू का फर्ज होता है। मैंने कहा ना, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ कि किसी की भी सेवा करूँ। और वैसे भी
जब तक मैं यहाँ पर हूँ दामिनी यहाँ पर कभी नहीं रहेगी। क्यों क्यों नहीं रहेगी? वो जिस लड़की से एक बार रिश्ता जुड़ चुका हो, टूट चुका हो, उसको इस घर में रखने से घर की बदनामी नहीं होगी? घर की ही क्या, मेरी भी बदनामी होगी। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी और ना ही मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत है। तो फिर मुझे भी इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तेवर? जी हाँ, दामिनी इस घर में रहेगी तो घर के सारे काम वही करे। और वैसे भी अगर घर में वो बहू बन के आती तब तो सारे काम करती ना। अब सारे काम आप उससे ही करवाइए। तुम्हारे होते हुए वो काम क्यों करे? मैं घर में रहूंगी तो काम करूंगी ना। जैसे ही दामिनी आएगी मैं इस घर से चली जाऊंगी। मैं घर में रहूंगी तो काम करूंगी ना। जैसे ही दामिनी आएगी मैं इस घर से चली जाऊंगी। आपके लिए तो अच्छा ही है, आपका बहू बनाने का सपना अधूरा रह गया था और उसका पत्नी बनने का सपना अधूरा रह गया। अच्छा मौका, भले थोड़े टाइम के लिए और भले झूठाई से, आप दोनों को खुशी तो मिलेगी। खुशी तो मुझे तब मिलेगी रश्मि जब तुम्हारे मामा यहाँ आकर कान पकड़कर नाक रगड़कर मेरे सामने माफी मांगेंगे और मुझसे वादा करेंगे कि आइंदा वो मेरे घर के मामले में कभी दखल नहीं देंगे। मेरे मामा जी इतने गए गुजरे नहीं हैं जो यहाँ पर आकर कान पकड़े और नाक रगड़े। घाव नासूर हो जाए तो वो इंसान की जिंदगी में घाव बन जाता है और धीरे धीरे मौत के करीब ले जाता है। अब मौत के डर से इंसान वो नासू वाले अंग को काटने के लिए तैयार हो जाता है। देखा देखा मेरी बातों का असर, कब भी टूट गया। अब इसे तुम साफ करोगे, समझो? आपका गुस्सा ठंडा हुआ? गुस्सा ठंडा हुआ है लेकिन नफरत कम नहीं हुई है और ना ही होगी। कम से कम आप तो ऐसे ना बोले। क्यों क्यों ना बोलूं? क्योंकि आप मां हैं। दुनिया चाहे कितनी भी खराब हो गई हो, बदनाम हो गई, लेकिन आज भी लोगों को मां पर भरोसा है। मां का वही रुतबा है, वही दर्जा है और इसीलिए लोग आंख बंद करके मां पर भरोसा कर लेते हैं। और अगर आप ऐसा कहेंगे तो इस रिश्ते पर भी दाग लग जाएगा। और मेरे दिल पर जो दाग लगा है उसे कौन मिटाएगा? वक्त मिटाएगा, सच्चाइयां मिटाएगी जो दबी हुई। मुझे तो परमजीत भाई साहब की बात सच्ची लगती है। दामिनी ने अभी तक इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर लेना चाहती है। दीदी, मुझे परमजीत की बात इसलिए सही नहीं लगती क्योंकि लालची लोग तकलीफें और मुसीबत उठाते हैं, लेकिन इतनी तकलीफें और मुसीबतें नहीं उठाते, अपनी जान जोखिम में नहीं डालते। और दीदी, दामिनी ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता और इसे एक बात तो साबित हो गई है कि दामिनी लालची नहीं, जज्बाती है। और ऐसे जज्बाती भोले लोगों को दुनिया बेवकूफ कहती है और ऐसे ही लोग अपना फायदा सोचे बगैर कुर्बानी देने के लिए, दूसरों के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते। मुझे कहिए, दामिनी ने कुर्बानी नहीं दी? इसीलिए कहता हूं हमें उसका पता करना चाहिए क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो आप वो दाग अपने दिल से कभी नहीं मिटा पाएंगे। आप पछताएंगे अपने आप से, हमेशा ये सवाल पूछते रहेंगे कि मैंने उसे अपने घर से क्यों निकाला। काश मैं उसकी कुर्बानी समझ सकती। दामिनी यहां पर आ रही है, ये तो आपको मालूम हो ही गया होगा ना? वो मम्मी ने बताया था।
क्या ख्याल है आपका? मम्मी जी दामिनी को यहाँ पर लाकर सही कर रही है। यहाँ लाने में भी हर्ज क्या है? हाँ, आपको क्या हर्ज होगा? अच्छा है ना, 24 घंटे आपकी नजरों के सामने रहेगी। रश्मि, सोच समझ के बात किया करो। क्यों, सच बात कह रही तो गुस्सा आ गया आपको? सच बात पे गुस्सा नहीं आ रहा, गलत बात पे गुस्सा आ रहा है। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी? वो बातें जिनमें ताने हो, शक हो, जिन्हें सुनकर दिल में तकलीफ हो, और रश्मि कहीं ऐसा ना हो कि वो तकलीफ तुमको मुझसे दूर कर दे। वो नजदीक आ रही है तो मुझे तो दूर जाना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैं यहाँ पर रहूंगी ही नहीं। रश्मि, वो तुम्हारा बिगाड़ क्या रही है? दूर रह के तो इतना बिगाड़ चुकी है, अभी नजदीक रहेगी तो क्या करेगी? क्या किया है उसने, साबित तो करो। मेरे पति और मैं आपकी पत्नी हूँ। पति पत्नी के बीच एक एहसास होता है जिसके लिए कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ उसे महसूस किया जाता है। पर आपको, आपको तो वो महसूस ही नहीं होता, तो मेरा क्या बिगड़ रहा है ये आप कैसे समझेंगे? मैं समझ चुका हूँ रश्मि कि तुम पागल हो चुकी हो। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। दामिनी यहाँ पर नहीं आएगी, बस बात खत्म। रश्मि, तुम चिल्ला क्यों रही हो? और दामिनी इस घर में आ रही है तो तुम्हें आग क्यों लग गई? आग आपने ही लगाई है तो लगेगी नहीं। रश्मि, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, मेरी मम्मी से ऊंची आवाज में बात मत करना, समझी तुम? ऊंची आवाज में बात करके कोई फायदा भी नहीं है, यहाँ पर मम्मी सुनता कौन है? गलत बात कोई नहीं सुनेगा। गलत बात कोई नहीं सुनेगा। रश्मि बेटा, ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल, यहां पर कोई भी गलत बात नहीं कर रहा है। दामिनी को इस घर में लाने का मकसद ना तो तुम्हें परेशान करना है और ना ही इस घर को बदनाम करना। देखो बेटा, हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि दामिनी अपनी मां से मिले, बस। माँ बेटी तो एक दिन मिल जाएंगे, पर पति पत्नी अलग हो गए तो वापिस से मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस बात की आप लोगों को कोई चिंता नहीं है? रश्मि, चीखो मत, मैं यहां से जा रही हूं, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। रश्मि, बहू जब अपने ससुराल की दहलीज पार कर जाती है तो वो अपने पीछे अपने ससुराल की इज्जत, मायके का मान सम्मान और औरत की मर्यादा को रौंद कर जाती है। तुम्हारे मायके की मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन अपने परिवार की इज्जत और औरत की मर्यादा का मान रखने के लिए अगर मुझे तुम्हारी टांगे भी तोड़नी पड़े तो मैं तोड़ूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इस दहलीज को पार नहीं करने दूंगी। सुनो, तुम जाओ, जाकर वहां बैठो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अगर तुम वहां नहीं जाकर बैठोगी तो धक्के मार के मैं तुम्हें वहां बैठाऊंगी, समझे? तो चलो विवेक, चलिए। हेलो, पानी सर से ऊंचा चला गया है, दामिनी को लाकर इस घर में रखा जाएगा और मुझे उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, तुम एक काम करो, फौरन वहां से यहाँ चली आओ, उन्हें मैं ठीक कर दूंगा। मामा जी, मुझे एक कमरे में बंद करके रखा गया है। तुम किसी तरह वहां से बाहर निकलो, तुम्हें कमरे में बंद करने की सजा मैं उन्हें दे दूंगा, और ऐसी सजा दूंगा कि वो कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है मामा जी, मैं कोशिश करूंगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा इनका।
दामिनी की याद आ रही, लेकिन आप मानने वाली कहां है? जो चाहे कीजिए, रो लीजिए, कल उसे बुला भी लीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप? माना आज वो पराई है, लेकिन कभी तो अपनी थी, याद तो आएगी ना। तो फिर ये भी तो याद कीजिए कि उसकी वजह से आपके अपने बेटे आपसे दूर हो गए। हाँ, ये बात भी सच है, उसी मनहूस की वजह से मेरी औलाद मुझसे दूर हुई। इसमें गलती आपकी भी भाभी, आपने उसके सामने किसी की नहीं सुनी, वरना बात इतनी नहीं बिगड़ती। मुझे अपनी गलती से इनकार नहीं है, लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दीजिए, बच्चे वापस आ जाएंगे, खुश भी हो जाएंगे, आपके साथ भी रहेंगे, वरना जिस तरह आप दामिनी को कोसती हैं, कल वो आपको कोसेंगे। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या करना है मैंने सोच लिया है। लगता है इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। कभी भी कुछ भी कर देती हैं, कोई भी फैसला ले लेती हैं। पता नहीं क्या सोचा है। चुप हो जा बेटा, रोते नहीं। इसी बात का मुझे डर था। हर इंसान की जिंदगी में एक बार वो मोड़ जरूर आता है जब उसे अपना पहला प्यार याद आता है। यही बात तो मैं तुझे समझाती रही, पर तू नहीं समझे। अरे पगले, एक चुप्पी 100 बातों को हराती है, पर तू अपनी जबान चलाती रही और हार गई ना। अरे ये तुम क्या कह रही हो पद्मा? ये देवराज की भांजी है, देवराज की। जब तक देवराज जिंदा है ना, तब तक ना ये हारेगी और ना ही सर झुका के जिएगी। उसके पूरे परिवार को जेल की हवा खिलवा दूंगा मैं। उससे क्या होगा बताइए ना, क्या होगा? क्या इसका घर घर बस जाएगा? हा? आबाद हो जाएगा इसका घर आबाद। इसकी दूसरी शादी करवा दूंगा मैं। जी, ये क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप सभ्यता संस्कार सब कुछ भूल गए? शरीफ खानदान की बेटियां जिस घर में विदा होती है, उसी घर से उसकी अर्थी रुकती है। दूसरी शादी के बारे में सोचना भी पाप है। अरे तुम कौन से युग में जी रही हो? हैं? वो जमाना अलग था, जब लोग किताबी सोच रखते थे, प्रैक्टिकल नहीं थे। आज तो लोग प्रैक्टिकल हैं, सोच समझ कर करते हैं जो भी करते हैं। और इसके ससुराल वालों के साथ जो भी मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मुझे पता मैं क्या कर, तुम मेरे बीच में ना ही बोलो तो ठीक है। मामा भांजे मिलकर जो भी फैसला करना है कर लो, लेकिन जब इसका घर उजड़ जाए ना, तो रोते मत बैठना और ना ही उन लोगों को जिम्मेदार ठहराना, समझे? तो तुम क्या चाहती हो, इसे उनका जुल्म सहने के लिए उनके घर भेज दो? भेजना नहीं, बल्कि इसे अपने घर ले जाकर छोड़ आना है। आप जैसे मामा भी बेटी का घर बर्बाद कर देते हैं। अगर बेटी ससुराल से लड़कर अपने मायके आ जाए, तो उसकी बातों में आकर उसे अपने घर में बिठा लेते हैं। ये नहीं कि उसे समझा बुझाकर उसका घर बसाने की कोशिश करते हैं। और नतीजा छोटी सी बात बढ़कर पहाड़ बन जाती है, नतीजा तलाक। लेकिन अगर रश्मि के साथ ऐसा हुआ ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। Thank you.